हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई सतगुरुदेव की सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले सबसे पहले। जी नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? पूनम साख। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इटावा यूपी की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2008 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भगत जी दुर्गा देवी की भक्ति करती थी। 8 साल की उम्र में मैं भक्ति करने लगी थी और मैं परमात्मा की खोज करती थी कि परमात्मा कहीं मुझे मिल जाए कि जिसकी मुझे तसल्ली मिले। बहन जी आपने बताया कि आप 8 साल की थी तभी से दुर्गा देवी की भक्ति कर रही थी, तो दुर्गा देवी की भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिले? जो दुर्गा देवी से हम भक्ति कर रहे थे उससे मुझे लाभ तो सर कोई नहीं मिला और ना मुझे कोई सुख मिला, खाली दुख ही दुख हमेशा मुझे मिले। मैं बहुत बीमार रहने लगी। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे पति को बीमारी ने घेर लिया, हमें सब बच्चों को मुझे सब लोग हम बीमार रहने लगे। आज स्थिति मेरी सारी खराब हो गई, हर तरीके से हम परेशान रहने लगे थे, कोई मुझे लाभ नहीं मिला। बहन जी आपने बताया कि आप 8 साल की थी तभी से दुर्गा देवी की भक्ति कर रही थी, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे पति एक यशफोर्ट कंपनी में काम करते थे, उनको कोई भगत मिले और उन्होंने बताया। मैं दुर्गा जी की व्रती थी, उसी दिन नौ दुर्गा थे, नौमी का दिन था, तो बताया कि माता की वो भेंटे गाने लगे, तो बताया कि आपको पता है कि ये दुर्गा कौन है? उन्होंने कि नहीं, दुर्गा जननी या दुर्गा माता है वो सबसे बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि आपको यही तो पता नहीं है कि माया काली नागनी अपने जाए खाए कुंडली में छोड़े नहीं सौ बातों की बात। ये भगत जी ने जब क्वेश्चन करा तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल चकित रह गए। तो उसके बाद मुझे बताया आके घर पे कि ये तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा तो कोई और है और हम लोग इनकी भक्ति करते हैं जभी तो हम लोगों को दुख आते हैं और इसीलिए हमेशा हम दुखी दुख हमें मिल रहे थे। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले मेरे हस्बैंड पहुंचे और उसके बाद एक महीना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, मुझे टाइफाइड हो गया था तो डॉक्टर ने चेक करा, पहले तो बहुत दिन तक ऐसी दवाई देता रहा, फिर बोल दिया कि अब सफदरजंग चले जाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल गए तो उन्होंने चेक करा तो मुझे खून में इन्फेक्शन था और मेरे टाइफाइड हो गया था और मेरे बच्चादानी के अंदर गांठ थी। मेरे जो पति को टीवी थी वो 5-6 साल से थी, बहुत दवाई खिलाई, हर तरीके से उनको जगह जगह पर इलाज करवाया, कहीं ठीक नहीं हुए और सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये तो परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं अब तुम्हें। तो मैंने कही हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाएंगे, फिर परमात्मा से मैंने प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, आप भक्ति करो। तो उसी परमात्मा की आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक हैं, तब से मेरे बच्चे भी सुखी हैं और हम भी सुखी हैं, मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं है। और मेरे घर में हर चीज से तंगी भी थी, पैसे टकों से हर चीज से थी, तो मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मेरे पति की बीमारी भी ठीक है और मेरी भी बीमारी ठीक है, मेरे बच्चों भी अब ठीक हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर खुशियों से भर दिया मालिक ने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपनी बहनों और भाइयों को सबको यही कहती हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आप हर जो दुखी हर किसी से बीमार है, कोई पैसों से, कोई धन से, कोई बच्चों से, कोई बीमारी से, कोई कैंसर से, हर तरीके से कहीं लाभ नहीं मिल सकते। किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाओ कहीं नहीं मिल सकते लाभ, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे हैं,
एक ऐसा यहाँ पर दरबार है कि यह लाभ मिल सकता है और कहीं भी नहीं मिल सकता है। आज मनु शरीर मिला है तो सिर्फ भक्ति के लिए ही मिला है, और सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, यही लाभ मिलेगा, और भक्ति करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, वो नंबर कॉन्टेक्ट कर लो और उन पे मिलाओ, तो वो बगल लोग बता देते हैं कि नामदान सेंटर उस जगह पर खुले हुए हैं। अब तो परमात्मा ने इतनी दया कर दी है कि हर जगह पर नामदान सेंटर खोल रखे हैं, कहीं भी जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब सर।